दोस्तों, पेट में पथरी क्यों होता है आज हम विस्तार से बताने वाले हैं। चावल तो बहुत लोग खाते हैं देखिए, लेकिन इसमें जितना भी कंकड़ पत्थर जो है वो इसमें रहता है, तो हम लोग चुन करके नहीं बनाते हैं, तेजी तेजी में हम लोग बना देते हैं, उसी के कारण जो है वो पेट में पथरी होने की संभावना बना रहता है। तो दोस्तों, कभी भी चावल बनाना है तो उसको पहले कंकड़ पत्थर निकाल दीजिए, उसके बाद में बनाइए चावल। क्योंकि चावल तो बहुत सभी लोग खाते हैं, लेकिन अस्थमा वाले को कम ही देना चाहिए, और इसमें का जो कंकर पत्थर नहीं निकालेंगे तो वही पेट में पथरी हो जाएगा। तो अगर एक बार पथरी हो गई तो बहुत सभी पैसा लग सकता है। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कभी भी चावल बनाएं तो इसका कंकर पत्थर ये धान जो है वो चुन करके कहीं पर भी क्या करते हैं कि ये धान जहाँ कुटाई होता है वहाँ कंकर पत्थर गिरा हुआ रहता है, तो वहाँ से हम लोग तो चुन नहीं पाते हैं। लेकिन बनाते समय, बनाने से 2 घंटा पहले चुन करके रख लीजिए एक डिब्बा में, या 2 दिन पहले से 2-4 आदमी मिल करके इसको चुन लीजिए ऐसे करके, और चुन करके इसको तुरंत इसमें से कंकर पत्थर निकाल दीजिए। नहीं तो कंकर पत्थर जो है पेट में पथरी बनाता है। और टमाटर जो है, पक्का टमाटर खाली पेट खाने से भी टमाटर वो पेट में पथरी हो जाती है, तो सब पैसा जितना भी हम लोग कमाते हैं वो बीमारी में खर्च होता रहती है। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे वीडियो की जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और माता दुर्गा जी की कृपा से आप लोग जहाँ भी रहें वहाँ खुशहाल रहें, बने रहें, क्योंकि आप लोग की खुशी हमारी खुशी है। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों के कम्युनिटी में माता दुर्गा जी हमेशा के लिए बरकत देते रहें, क्योंकि आप लोग अच्छे रहेंगे तो कोई भी काम अच्छा होगा। लेकिन चावल जब भी बनाइएगा दोस्तों, तो इसमें का कंकर पत्थर जितना भी है नज़दीक से देख लीजिए, इसमें का निकाल करके ही बनाइएगा। थैंक यू दोस्तों।